Google. अबे चाय की चाशनी कितनी चीनी डाली है यार, हट। अबे साले करेले से भी ज्यादा कड़वी हो रखी है तेरी जुबान, इसलिए मिला दी है। कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो मिठास आएगी तेरी जुबान में। अबे जबान मीठी होना हो, लेकिन अगर तू मुझे ऐसे मीठा पिलाता रहा ना, तो एक दिन हमारे शरीर से चीनी की डालियां निकल पड़ेंगी। क्या करता है यार तो अच्छी बात है भाई, यहीं से तोड़ तोड़ के चाय बना लेंगे और चीनी मिल खोल लेंगे अपने। चीनी मिल यार फालतू बातें मत किया कर यार, मत डाला कर, सेहत के लिए अच्छी नहीं है हम दोनों के लिए इतनी चीनी पीना। ठीक है ठीक है, उठा के पी ले। हाँ ठीक है। जीजाजी छत पर है। अरे आइए आइए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं इलायची जी, दरअसल क्या है ना कि जीजा जी ने छत से कूद कर जान दे दी। चुप, मेरे आपके दुश्मन, कुछ भी मत बोलिए। वैसे आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जीजा जी, प्लीज लीजिए ना। ये क्या है? पहले फिर का पहला तोहफा है जी। अब लीजिए आप लीजिए। पर है क्या ये? लो ना, खोल के देखो। अरे जल्दी खोल ना, जल्दी खोल लो गुगू। जीजा जी ये है आपका गिफ्ट स्पोटो, अब खेलते रहो, है ना कमाल की चीज। अरे जीजा जी इतने एक्साइटेड हो गए। क्या बात है इलायची जी, वैसे तो हम गिफ्ट लेने में विश्वास नहीं करते, खास करके आपसे, पर मनसा नहीं कर रहा आपको वापस करने का ये। काश दूसरी चीजों के लिए भी आपका ऐसा ही मन करता है जी। धन्यवाद इलायची जी, देखिए अभी हमें दुकान खोलना है तो बाद में वार्तालाप करते हैं। अरे यहाँ माया और आप रवाना होने की बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? थोड़ा रहिए यहाँ पे, चिल कीजिए और हमें वो थैंक यू वाला सॉन्ग तो सुनाते जाइए। क्यों सुन लो? जी जरूर जरूर इलायची जी, हम आपको जरूर गाना सुनाते, लेकिन वो क्या है ना कि जो हमारे पर्सनल पिताजी हैं उनकी लहंगे की दुकान नहीं है, इसलिए हमें क्या है काम पे जाना पड़ता है। यार सुनो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीजा जी मुझे फ्री फंड के ताने मार रहे हैं? ठीक है यार जीजा जी, चिल मारो यार, एंजॉय करो लाइफ, कितनी बार तो सिखाया, सीखो यार जीजा जी, मुझसे सीखो। इलायची जी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 11वीं कक्षा में 4 साल फेल हो जाती हैं तो इसे एंजॉय करना कहते हैं? ओ हेलो जीजा जी। जी सबका ना अपना अपना टैलेंट होता है और ये हमारा टैलेंट है यार। नहीं नहीं हाँ। अरे दिखा दो कौन है जो 4 बार एक ही क्लास में फेल हुआ हो, नहीं हो सकता ना भाई, हुनर है। जी 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 क्या बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो ना पढ़ो घर पे हमेशा खाना तो मिल ही जाएगा। जीजा जी जी आप जानते हैं क्या मेरे बारे में? नहीं मतलब क्या जानते हैं, पता है जब भी मैं फेल होती हूँ पापा क्या करते हैं? क्या? अरे यार पूरे 10 दिन के लिए ना मैं फिल्में नहीं देख सकती हूँ, बैन लग जाता है। ओहो हो, ये इजी है लाइफ, इजी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए लाइची जी हम अगर आपको सच बताएं तो हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ इजी है, अगर देखा जाए तो भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिला है, इसीलिए आप में वो जज्बा ही नहीं है कि आप कुछ बड़ा काम करें या कुछ बदलाव लाएं। सुनो हमारे पास ही बहुत काम है, मतलब टाइम नहीं है हमारे पास फालतू का। चल अरे चाय तो पी, रहने दो यार। अरे अरे सुनीता जी सुन चल यार, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने मुझे जमीन पे भेजा है इसलिए कि जब किसी को कोई इंसल्ट करने के लिए नहीं मिल रहा ना तो आके वो इलू की इंसल्ट कर जाए। यार पहले ना कान के पास से मतलब एकदम मक्खी की तरह उड़ के चली जाती थी लोगों की बातें, लेकिन आज बुरा लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है बुरा यार। यार इलू प्यार में ना इंसान ऐसा ही हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है ना एक इंसान की, मतलब गुस्से में दी हुई ना किसी भी ना थप्पड़ की तरह लगने लग जाती है। बाय गॉड ओफ, अब पता चला कि तू इतने सालों से फेल क्यों हो रही है। अरे यार इतने भद्दे और भलते एग्जांपल देगी ना तो तुझे पास करना पाप होगा, पाप चढ़ेगा उन टीचरों पे। इलो यार तो फीलिंग समझना, फीलिंग एग्जांपल तो मैं कोई भी टिका दूं, हाइड्रोजन ने जो कुछ भी कहा ना ऐसा लग रहा है किसी दिल पे छुरा उतार दिया हो, मतलब जख्म हो गया, मतलब कुछ सॉलिड करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा, बड़ा बुरा लग रहा है यार, बड़ा बुरा लग रहा है। हेलो सेल्फी। देख तू समझ ले, देख सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का हाल मत खराब कर यार। हेलो
इलायची और तू सेल्फी। अंकल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। तुम लोग स्कूल जा रहे हो या स्कूल से आ रहे हो? कुछ समझ में ना आ रहा आजकल तुम लोगों का मुझे। अरे रुक जाना तू। अरे यार इतनी सुबह सुबह जाएंगे ना वापस तो नहीं आएंगे, कुछ भी मत बोला कीजिए प्लीज। मुझे बिना बताए स्कूल बदल लिया क्या? ये रास्ता तेरे स्कूल तो जाता ना है। तो बुक्स बाइंडिंग करानी थी ना हमको, इसलिए इस रास्ते से जा रहे थे। हमेशा इतनी प्यारी बच्ची को ताने मारते रहते हो। अरे तो 11वीं पास कर ले, शाबाश जी का हाथ भी मार दूंगा तेरी पीठ पे। क्यों सही कह रहे हो ना? बातें करा लो इससे, कोई भी सवाल पूछो जवाब तो तैयार रहता है इसके पास। चल आ जा। बाय आंटी जी। बानी क्या समझ रही है जो तुझे ना लग रहा? चल। अरे यार ये कैसे कैसे लोग होते हैं ना, मतलब अपने पापा का बाथरूम समझ के ना सड़क पे कहीं भी शुरू हो जाते हैं, शर्म ही नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि शायद इनके घर में कोई बाथरूम हो ही ना इलू। अरे घर में नहीं तो आस पड़ोस में कहीं तो होगा ना, लेकिन वो खेतों में बैठने वाली आदत तो नहीं जाएगी ना। मेहनत करनी नहीं है, शहर गंदा तो हो क्यों फर्क पड़ता नहीं। सैड है बहुत यार इलू, हमारे ना दिल्ली का नाम खराब कर दिया ऐसे लोगों ने। सही कह रही है तू। चल सुना एक बड़ा ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम स्वच्छ अभियान शुरू करें और जो ऐसे बंदे होते हैं ना मतलब जो खुले में शौच करते हैं उनकी पकड़ के बैंड ही बजा दे, क्या बोलती है? अच्छा आइडिया ना। इन्हें जो मतलब दी बेस्ट सेल्फी आती है ना, हाँ दी बेस्ट सेल्फी जितना अच्छा आइडिया है। ओह सो प्राउड ऑफ यू इन्हें। आई नो इन्हें सेल्फी। अरे यार दुकान जाने से पहले हल्का हो लूं, पेट बहुत भारी हो रहा है। इलायची संजू। इलायची संजू। इलायची संजू कर ले काम अब है। इलायची अगर मैं काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो करारे थप्पड़। क्या है फालतू बात करने का वक्त नहीं है, चल जा संजू, जाओ ना बम लगाओ ना, हमारा शिकार सामने खड़ा है वो परकटा, जाओ। हाँ बाबा जाता। हाँ मैं कह रही हूँ ये हो क्या रहा है, जो कोई तरीका है? ये कोई तरीका है खुले में करना, खुले में मत करना समझे छोटे। चल संजू और भी मिलेंगे ऐसे। उस पिंकी के आने से पहले काम निपटा लेता हूँ, वरना पता नहीं बाद में कहाँ कहाँ से धनिया मिर्ची लाने के लिए दौड़ाएगा। मंगी अंकल अगली बार ना दीवार पे ना करना वार, नहीं तो रहना तैयार। ठीक है बाय। अरे छोटे, अरे छोटे छोटे यार तू मालिश कर रहा है या किसी जन्म का बदला ले रहा है? मैं बताऊंगा सेठ जी, अगर मैंने बताया तुम उल्टा मेरे पे ही चढ़ोगे। अरे तूने मेरी दुकान के अगर लहंगे मार दिया तो मैं तुम पे चढ़ूंगा, बता बात क्या है, क्यों कर रहा है ऐसे? अरे रहने दो सेठ जी, क्या करोगे जान के? टाइम पास। हाँ
सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ कि बात ही कुछ इस तरीके की है, बताने में मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्म आ रही है तो उधर मुंह कर ले और बता दे, मैं सुन लूंगा। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे क्या गुजरी है, बस तुम्हें अपना मजाक बना रहे। मैं ना बता रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ, बताने का मैं बता ही ना रहा हूँ। नहीं बताने का मन ना हो रहा है तेरा, नहीं हो रहा है तो मत बता। तो मैं ना बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? तो बता, बात मालूम है किसके बारे में? हाँ तुम्हारी इलायची के बारे में। इलायची? सुन सुन इधर। हाँ इलायची के बारे में? हाँ क्या बात है? आज सुबह सुबह की बात है, मुझे जोर की लगी थी। लग गई तुझे? कहाँ लगी? देखा कहाँ लग, कहाँ लग गई? अरे ये ना लगी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ फिर? बस मैंने सोचा कि चलो बहुत देर लगी, आसपास कहीं जगह देख लूं। हाँ। मैंने कोने में देखा एक दीवार थी। हाँ। वहीं हल्का होने खड़ा हुआ। जी ऐसे ही हल्का हो रहा था, सेठ जी कसम से कह रहा हूँ ऐसा सुतली वाला बम फटा पीछे धपाक। भगवान का शुक्र है सेठ जी, बहुत बुरा हो जाता, दुआ थी उनकी बच गया मैं। नहीं नहीं ये तो बात है, बात तो बहुत बड़ी है, सही कह रहा है तू। लेकिन ये बता कि इस टाइम पे दिवाली कौन मना रहा है? अरे कौन नहीं मना रहा है, एक सी करो, तुम्हारी बेटी की इलायची है ना, उसने मुझे हल्का होने की सजा दी, ये बड़ा सुतली वाला बम मारा। ये बताओ अगर किसी को जोर की लगेगी सेठ जी, वो तो जाएगा ना हल्का होने, तो बेटी की गलती है ना ये। ना बिल्कुल सही किया उसने। क्यों? अरे जिस जगह पे तू रह रहा है उसे गंदा कर रहा है, ये मैं मान रहा हूँ कि उसके उसने जो भी किया वो धमाकेदार था, लेकिन मुद्दा उसका बिल्कुल सही था। मुद्दा सही था उसका? मुद्दा सही ना था सेठ जी, मैं तुम्हें सब समझ रहा हूँ, असल में तुम्हें मेरी गलती दिखती है बस, अपनी बेटे की गलती ना दिखती, उसी का पक्ष ले लो बस तुम। और इलायची कैसी है? अबे ओ अंशन इधर आ। ओफो इधर आ सेठ जी। आप पंचम? यहाँ ठीक है। आप सेठ जी हम दो मिनट में आते हैं ना आपके पास। अरे सुन सुन एक मिनट ये बता, दो मिनट में आते हैं वो शर्मा जी कहाँ से लहंगे ले आया तू? अब नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या कि हमें बहुत जोर से प्रेशर आई है, तो हमने सोचा कि घर जाके पहले हल्का हो जाते हैं, तो इसलिए बाद में चले जाएंगे सेठ जी प्लीज। अबे तू नर्सरी का बच्चा है जो प्रेशर को कंट्रोल ना कर पा रहा है? जा पहले वो लेके आ जा, बाद में करियो कुछ भी। सेठ जी प्लीज ना आप समझिए। अरे ना 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 सुन, कभी कभी काम का प्रेशर ले लिया करे, हमेशा निठल्ला बना घूमता रहता है, जा जाके ले आ जा। छोटे हाँ। अब की बार दीवार पे मत कर दियो वरना बहुत बड़ा वाला बम फट जाएगा। अब तो बेटा जरूर फटेगा। यार ये तो चीजा जी है, मजा आ गया। उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप कर रहे हैं तो खामियां से तो भुगतना पड़ेगा ना। एक काम कर, जाके बॉम्ब रखते एकदम चिपका के रखना, फूटे तो मजा ही आ जाए। जा। इलायची सांजू, इलायची सांजू, इलायची। अरे बस कर यार, जाना यार। जाता हूँ। जा, जा, जा। कैसे बात हुआ है? इलायची जी ये गलत बात है, आप ऐसे अब ये किस तरह का मजाक है? अब किसी मासूम आदमी को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं, हम शांति से यहाँ पर। ओ हेलो जीजा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए, मतलब खुले में शुरू हो गया। अच्छी चीज यार, शर्म करो यार। अरे पिंटू भाभी उनको बताऊंगी, घर पहुंचने दो मुझे। उसको क्या बताएंगी, वो तो खुद साला खुले में करता है। हमारा मतलब ये कि बुबू बुबू हमें खुले में करने के लिए मना करती, पर इलायची जी हम क्या करें, हम मजबूर थे, हमें हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। हाँ तो मैं भी क्या करती यार, जो ऐसा करते उन्हें सबक सिखाना भी जरूरी है, मतलब खुले में शौच करना बुरी बात होती है। अरे आज यहाँ कर रहे हैं, कल दुकान के सामने करेंगे, कल हमारे घर के सामने करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? है हम आपकी बात समझते हैं इलायची जी, लेकिन आप हमारी बात समझिए, ये मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ा, और आपको जो समझना है समझ लीजिए, हमें जाना है दुकान पे फिलहाल, वरना सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देंगे और हम यहाँ पे भी करने लायक नहीं रहेंगे। यार संजू लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, चल दूसरों के सर पे बॉम्ब फोड़ के आते जल्दी।
एक बात सुनिए यार, अरे तू पहले मेरी बात सुन यार, फोन डगे यार मेरे, समझ गया? हाँ ठीक है, हाँ छटंकी हल्का होने के लिए ये जगह सही है। ये सब जो दिख रहा है, चल 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 ये ले। और इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, जाओ देखिए जो काम कर क्या जाओ। हाँ चुपके ये क्या हरकत थी इलायची? मामा लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके, तो अगली बार खुले में ना जाना। चल संजू बता, ये हमारी भांजी है, पटाके छोड़ रही पीछे हमारे। ला 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 ला। सुंदर से सुन रही है मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी श्याम। सुंदर से सुन रही है मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। बड़ा खुश है, कहाँ से आ रहा है? सुनीता जी से मिलके आ रहा हूँ। चुप कर, चल उस पे काम कर, गमछा बॉयज पे। एक मिनट रुक भाई, यार तेरी टी शर्ट तो देखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना भाई? हाँ बहुत सही है यार, बड़ी आरामदायक है। अच्छा हाँ निकाल निकाल जरा, हम भी पहन के देखें। अबे क्या कर रहा है, पागल है क्या? जब ये कंपनी पेटीकोट और ब्लाउज बनाने लगेगी ना, तब जाके हम तेरे ले आएंगे। साले चले पे नमक ना छिड़क, फालतू की बात ना कर, निकाल निकाल जल्दी। क्या कर रहा है यार, जाके दरवाजा खोल। अबे मैं क्यों खोलूं, मैं तो औरत हूं, तू जाके खोल। कह रहा जाके खोलना, तेरे पास कुछ? हट अमीज आदमी, बस खाना ही जानता, काम कुछ नहीं। जीजा जी छत पर है। आई आई। हेलो भाभी, बिंटू भाभी। जीजा जी अदृश्य हैं। अदृश्य? मतलब कैसे कर लेते हैं आप, कैसे बोल लेते हैं? इतने क्यूट लग रहे थे ना आप, ये बोलते हुए इतना क्यूट साउंड कर रहे थे। जीजा जी वंस मोर, एक बार और बोल दीजिए। देखिए लाइची जी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। आपको आज की घटना के बारे में बताया जीजा जी ने कि नहीं? इलायची जी सारे चांदनी चौक को पता चल चुका है, कल अखबार में आने वाला है कि हम खुले में। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी अपनी भी गलती मान लिया करो यार जीजा जी। हाँ और क्या गुगु, ये गलत बात है। इलायची जी आप ना एक काम करो, वहां दीवार पे ऐसे मोटा मोटा लिखवा दो कि गधे के पूत। गुगु कंट्रोल करें। ठीक है गुगु। इलायची जी जरा गौर फरमाइए इस बात पर, अगर आसपास शौचालय होता तो क्या हम खुले में जाते? बस खुले का तो अपना अलग ही मजा है, लेकिन ऐसे थोड़े से मजे के लिए किसी की दीवार थोड़ी गंदी कर दोगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप पिंटू भाभी, लेकिन ये जो कांड हुआ ना जीजा जी से बड़ी मजबूरी में हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जय माफ किया। क्या माफ? अच्छा इलायची जी आप हमें माफ करें, वाह ठीक है, मेरी तरफ से भी सॉरी कि मैंने आपके पास बम फोड़ दिया और आपका मुंह काला हो गया। वैसे गुगु तुमने खुले में क्यों किया? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं इनकी। मजा भी लगता है। अरे क्या वो करंट वरंट दौड़ गया? ना, ना, वो क्या ना ऐसी धुन बजती है तो हम ना थिरकने लगते हैं। ओ, थिरको और।